Ladies and gentlemen, now one of the upcoming youth leaders would like to share their views with our union minister. So may I request Rie Chinya Taju sir to please come on stage and share your views. Takame mrogamba ngunuke moko go ngunuke union leader माननीय किरण रिजिजू को हमेशा यही प्रभाव के साथ बोलना पड़ता है क्योंकि उसका दबदबा ही ऐसा है. द प्राइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द जेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश. और तुझे मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, द इनडोमिटेबल लीडर. यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू, आर्ट साइंसेस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हमारा प्रिय नेता, आपको हम सब स्वागत है. ऑनरेबल कैंटोरिना जी, टाटेसिक्स नारी कोई ऑनरेबल MLA, और हमारे प्रिय नेता कार्दो न्यूगर जी, 28th लोकवाली का सबसे चाहता लीडर, और लर्न डिप्टी कमिश्नर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट मार्तो रिवा जी, ADC नारी श्री केनबोम योदू जी, रेस्पेक्टेड सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध दजांगजू जी, मार्पे मुबा जी ZPC लोअर सियांग, न्याब दिनी जी दिर्ची ZPC बासर, सेनबोम तैपोदिया जी ZPM लिकवाली, श्री निचिंग ओमले जी ZPM कांको, श्री दापू दोखे जी ZPM गेंसी, श्री मार्बम दोई जी ZPM न्यू सरेन, श्रीमती जुनकी कह जी ZPM नारी, श्री तगमपादु जी ZPM कोयू, श्री मोली रिवा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी, श्री नानी लाज जी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट BJP, ऑल द HODs ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट जो कि ये प्रोग्राम के लिए बहुत दिन से बहुत मेहनत किया है, ऑल द HGBs, GBs, PRM मेंबर्स, पोनू पार्टीज जो ये प्रोग्राम का शोभा बढ़ाती है, और हमें ये शोभा को हमेशा बढ़ाना है. ये हमारा कल्चर है, मेरा ट्रेडिशन है. जितना भी पब्लिक लीडर्स है, यूथ आए हैं, और ये जितना भी यहाँ मैं आज का हिस्टोरिक डे को विटनेस कर रहा, आप सबको संबोधन करता हूँ. सर, डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमारे कार्दो न्यूगर जी बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं. ये इसलिए मुमकिन है कि सर आप जो दिल्ली पे हैं उनको हमेशा लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं. हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे ऑनरेबल CM पेमा खांडू जी के नेतृत्व में ये सब मुमकिन हो रहा है. जब इलेक्शन सामने आते हैं, ये हमेशा देखा जाता है कि कांग्रेस की सोच रखने वाले हमेशा चिल्ला चिल्ला के जो अच्छा काम किया है उसको गलत साबित करने में तुला हुआ है, ईटानगर से लेके दिल्ली में. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जमाने में हर एक का हाथ में मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, हर कोई पता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है. तो मैं मानता हूँ कि आपका लीडरशिप में जितने अरुणाचल प्रगति की ओर चल रहा है ये सब अद्भुत है. सर, मैं अपने दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ, एक पार्टी लीडर की हैसियत से. लास्ट 2019 इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े गलत किया है, जो टिकट देने में हमारे कार्दो न्यूगर जी को BJP MLA को टिकट नहीं दे के, जो बाहर वालों को दे के जो गलती किया है, मैं आपसे हार्दिक निवेदन करता हूँ ये गलतियाँ दोबारा दोहराना जाए, क्योंकि पब्लिक का विश्वास, पब्लिक का इमोशंस इसमें बहुत जुड़ा हुआ है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार 2019 के बाद आज तक लगभग 2400 फैमिलीज ज्वाइन किया हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कार्दो न्यूगर जी. तो आप सोच के देखिए सर, 2019 में जितने भी हमारे वोटर्स रहा और अभी जितने भी ज्वाइन हुआ, तो 28th लोकवाली का जितना भी पॉपुलेशन है वोटर्स है, हम 90% मान के चलता हूँ. और सर, ये मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी ज्वाइनिंग हो रहा है और BJP 28th लोकवाली में गुणगान गा रहा है, ये सब मुमकिन है आप जैसे लीडर वालों के लिए जो कि हम लोग का सदियों में एक बार जन्म लेता है. ये सब मुमकिन होता है पेमा जी के जैसा लीडर वालों के लिए, ये सब मुमकिन है मोदी जी जैसा इनडोमिटेबल लीडर जैसे वालों के लिए.
सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि शायद 20th लीग वाली एक ऐसा ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा एंटायर अरुणाचल में जहां पे ऑपोजिशन बिल्कुल नहीं है, काले बीजेपी ही बीजेपी है। तो आप सोच के देखिए, आप उसको टिकट देता है तो यहाँ पे बीजेपी का सबसे सेफेस्ट जोन है बीजेपी वालों के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सर, जब ये बीजेपी अगर ऐसा ही है तो आपके लिए यहाँ बोतर्स ही बोतर्स है सर। तो मैं कहना चाहता हूँ आने वाला 2024 इलेक्शन में मैं बोलता हूँ 75% से ज्यादा पोलिंग बूथ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर 39 पोलिंग स्टेशन है, 39 पोलिंग स्टेशन में से मोर देन 75% जहां पे ऑपोजिशन का एमपी का एक भी वोट नहीं होगा, केवल आपका ही होगा सर। इससे बढ़कर क्या हो सकते हैं सर। तो मैं इसलिए सर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ 2024 में हम लोग का कार्तिकेय जी को बीजेपी का टिकट दिया जाए। आप जैसा लीडर जो दिल्ली पे है, यहाँ का ग्राउंड रियलिटी को नहीं जान के दिल्ली में कभी कभी अलग सा एक डिसीशन ले लेता है सर। आप ऊपर का पहुंच है, आप ऊपर में बात कर दीजिए, यहाँ का पब्लिक का पल्स रीडिंग क्या है, पब्लिक का असेसमेंट क्या है, पब्लिक का इमोशन किस पर जुड़ा हुआ है। हम लोग का लीडर जो बीजेपी का जितना भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बीजेपी का जितना भी बेनिफिशियरी सिस्टम को, हर एक को, हर बस्ती को, हर घर को, हर गली, हर जिला को जोड़ने में सक्सेस हुआ है। इसलिए मैं सर मैं लास्टली ये बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 2024 में आपको और हमारे कार्तिकेय जी को फिर एक बार एमपी और एमएलए के रूप में देखना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल।